नहीं ये तो हुआ, ऑर्डर जो होता है वो जैसे डिजाइन करते हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है सर। तो फॉर्मेट में इसका यूज किया जाता है, तो आप अपने हिसाब से इसकी अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि फॉर्म डिजाइन करने का आइडिया कहाँ से आया। तो फॉर्म डिजाइन करने की आइडिया होगा कि इसके लिए आप गूगल का यूज कर सकते हैं। आप गूगल पे जाएं, फॉर्म यूजर फॉर्म या फॉर्म को सिलेक्ट करें, इमेजेस में जाएं, यहां पे आपको बहुत सारे फॉर्म मिले, राइट सर। तो पहले क्या करें, एक अच्छा सा अट्रैक्टिव फॉर्म क्रिएट करके मुझे दें, और फॉर्म के अंदर जो फॉर्मेटिंग होती है बैकग्राउंड कलर वगैरह है, यहाँ से बैक कलर वगैरह चूज कर सकते हैं कि बैक कलर क्या होना चाहिए, और इस पर जो डिजाइन की जाती है उनकी भी अपनी एक फॉर्मेटिंग होती है। मैंने यहाँ ले लिया, अब बैक कलर वाइट है, तो इसमें भी जो चीज़ें हैं आप यहाँ से असाइन कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो मोमिन जी एंड अतीश जी, तो अब आगे जो है इसके अंदर बात आती है कोडिंग की। तो कोडिंग तभी होगी जब हम एक अट्रैक्टिव फॉर्म बनाएंगे। तो आप लोग मुझे एक फॉर्म बना के भेजिए, फिर मैं उसके अंदर कोड्स करना सिखाऊंगा, ठीक है सर। क्या बनाना है इसका फॉर्म? कोई भी एक फॉर्म, जैसे ये देख लीजिए ना, बहुत सारे फॉर्म है ना यहाँ पे, आपके गूगल पे सर्च किया जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म है, ठीक है आपको सर। ऐसे एक फॉर्म अट्रैक्टिव होना चाहिए फॉर्म थोड़ा सा, या आपके अंदर में डेटा एंट्री करते होंगे, डेटा एंट्री करते हैं ना? यस सर। डेटा एंट्री का फॉर्म बना दीजिए, यस सर। ठीक है, ये देखिए डेटा एंट्री फॉर्म है ना आपका ये, हाँ यस सर। अब इस तरह के फॉर्म बना दीजिए, कोई भी एक डेटा एंट्री फॉर्म, सर जी। हेलो, हेलो हेलो ना, बोलिए हेलो उसके सर, बाद।